मुंबई के रे रोड के दारूखाना उड़पी होटल के बगल में उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय में हर वर्ष की तरह इस साल भी उमंग ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद खान और उनकी टीम के सहयोग से दीपावली के शुभ अवसर पर जरूरतमंद परिवार वालों को राशन किट पैकेट वितरण, सामग्री जैसे रवा, मैदा, शक्कर, मीठा तेल और घी का वितरण कई जरूरतमंद परिवारजनों को किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस राशन वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी संपत राज जैन, महबूब खान खैरवा, पोपटलाल जैन, प्रकाश चोपड़ा, अमृत टी जैन, सहनवाज शेख, नीलेश शाह, मंगेश कनौजिया, सरीखे उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी का विशेष सहयोग रहा। आइए देखते हैं उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने अपने सेवा कार्यों और आगे की रणनीति को लेकर क्या कहा, इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। ऐसा है, गत 3-4 वर्ष से उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा के क्षेत्र में बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब भी कोई महामारी हो या उसके विपरीत कोई फेस्टिवल हो, लोगों के घर में उजाला करना हो, उनके घर में खुशियाँ लानी हो, तब हमेशा उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट हर जरूरतमंद के साथ में खड़ा रहता है। हम 3-4 वर्षों से इनकी स्थापना से ही इनसे जुड़े हुए हैं, हमेशा इनके साथ भी रहते हैं। हमने कोविड में भी देखा इनको, घर घर जाके भोजन के पैकेट इन्होंने भिजवाए हैं। सर्दियों में देखा है, यहाँ जरूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट ऑफिस में बांटे हैं, बाहर जाके बांटे हैं, रात को जाके ठंड से ठिठुर रहे लोगों को इन्होंने कंबल उड़ाए हैं। आपको शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि कोई जात पात नहीं देखते हुए उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट एक ही जात ध्यान में रखता है। जरूरतमंद इनकी एक ही जात है, उनको ये सुविधा सहायता मुहैया कराते हैं। और भविष्य में इनकी जो योजना है, हमारी आज की मीटिंग इसके पश्चात होने वाली है, जिसमें ये भविष्य की योजनाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। निसंदेह जावेद खान जी जो अध्यक्ष है, संस्थापक अध्यक्ष है, संपत राज जी जो ट्रस्टी है, महबूब खान जी जो भी ट्रस्ट मंडल में है, श्री पोपटलाल जी, श्री दुबे जी, प्रकाश जी चोपड़ा भी जुड़े हुए हैं इस ट्रस्ट से, ऐसे बहुत ही अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हर अच्छा कार्य करने के लिए जावेद खान जी हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि किसी जरूरतमंद को कोई भी जरूरत हो तो इनको एक फोन किया हो तो वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं। ऐसे आपको क्या बोलें, दिलदार और दिलदार के साथ नरम दिल व्यक्तित्व जावेद खान जी है, जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम ही होगी। उमंग जो संस्था है वो जो प्रगति बढ़ाई है बहुत अच्छा, मानव के लिए ऐसे की है, वैसे करती रहे सेवा बहुत अच्छा उनके लिए, धन्यवाद देती हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, साल साल भरे में 4-6 दही सब कम्बल ये सब सपाटते हैं। मेरा नाम सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रकाश चोपड़ा है और जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जावेद भाई सामाजिक तौर के साथ साथ एक निजी व्यक्तित्व, निजी तौर पर मेरे मित्र हैं। पिछले 4 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। बहुत सी संस्थाएं राजनीति से प्रेरित होकर समाज सेवा के कामों में आगे आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसने जो भी सेवा कार्य किए हैं उसमें कहीं पर भी राजनीति को नहीं दिया, चाहे वो ठंडी के दिनों में कंबल से लेकर हो, कोरोना काल में लोगों को अस्पताल में एडमिशन के लेकर हो, उनको दवाइयाँ मुफ्त कराने से लेकर हो, या उनके हॉस्पिटल के बिल को लेकर। जब जब भी बड़े बड़े इशू आप सबको बताया गया है तब भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल उसमें निभाया। और सबसे बड़ी बात, ये जात पात का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इसके पहले ईद के मौके पर भी यहाँ पर आया था, गत वर्ष दिसंबर में भी इन्होंने लगभग अपनी तरफ से 500 से ज़्यादा कंबल गरीबों को बांटी, और राजनेताओं की तरह रोड पर पब्लिक भीड़ जमा करने की बजाय रात को 1 बजे शहंशाह की तरह निकलना और जो ठंडी में सोए हुए हैं रोड के ऊपर उनको कंबल बांटना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये समझूंगा कि, और शॉर्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि इनके लिए कि करोड़ों की बस्ती में ये अपने आप में एक हस्ती है, क्या बात। और हमें बहुत खुशी है मुझे कि
कि मैं इनसे जुड़ा हूँ और ये मेरे मित्र हैं, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके साथ साथ में रात दिन इनकी परछाई की तरह संपत भाई कार्य कर रहे हैं, इनके मित्र ट्रस्ट मंडल में हैं, महबूब भाई जो मेरे निजी मित्र भी है, अमृत भाई, पोपट भाई, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब जब भी कार्य करते हैं तो समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। और विशेषकर दारूखाना की अगर मैं बात करूं तो शायद यहां का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जावेद भाई को उनके काम की वजह से नहीं पहचानता। उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद भाई के साथ में हमारी पूरी टीम, जिसमें प्रकाश जी चोपड़ा है, अमृत टी जैन है, श्यामनिवास भाई है, संपत राज जैन है, पोपट भाई है, हम सब मिलकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हर साल कुछ न कुछ जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। जैसे सर्दियों में हम कंबल बांटते हैं, हमारा ट्रस्ट कंबल बांटता है। अभी दिवाली के मौके पे हमारे ट्रस्ट ने करीबन 500 जरूरतमंदों को राशन की वितरण करने का प्रोग्राम कर रहे हैं और वितरण कर रहे हैं। और हमारा ट्रस्ट आने वाले समय में मेडिकल कैंप लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रकाश चोपड़ा है, अमृत जी जैन है, संपत राज जी है, सेना पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले टाइम में बहुत जल्द दिसंबर में हम बहुत बड़ा मेडिकल कैंप रखने वाले हैं। और ये सभी साथियों का मिलके, जिसमें हमारे ट्रस्ट के प्रकाश जी है, अमृत जी है, सब हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन श्रीमान जावेद खान जी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हम पूरा जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, यही हमारा दय है। मैं उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जावेद भाई जो काम कर रहे हैं और उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, और जो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। और हर समय समय पर वो आने वाले हर मुसीबत के समय या हर संकट के समय लोगों के साथ जो खड़े रहते हैं, ये उनके लिए जावेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जो उनकी टीम है उनके साथ, महबूब भाई, संपत भाई, अमृत भाई वगैरह जो भी है, काफ़ी अच्छा उनको सहयोग दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम 3 वर्ष से इस संस्था के सेवा रूप कार्य का दृष्टि है। जावेद भाई के साथ में हम गंगा से गंगा मिला के मैं और हमारे पूरी दृष्टिगण पूरा सहयोग करते हैं। और जो भी जरूरतमंदों को हम ये जो भी जरूरत है, दिवाली पे दिवाली का किट बांट वितरण करते हैं, सर्दियों में कंबल बांटते हैं और जरूरतमंदों को दवाई उपलब्ध कराते हैं, हर एक जो सुविधा होती है हम कोशिश करके उनको अच्छे करते हैं। मानव सेवा ही हमारा उद्देश्य, परम धर्म है, सबसे बड़ी उत्तम सेवा मानव सेवा है। जिसको जो भी तकलीफ है, हमारे संस्था से जो जुड़ता है, जो भी आता है हमें, कोई जावेद भाई को हमको कोई भी, हम उनका कोशिश करके हमारी संस्था से होता है जो हमारी संस्था से करते हैं, दूसरी संस्था से भी कनेक्टेड करके उनका इलाज करवाने की कोशिश। आपने दूसरी संस्था का जिक्र किया, तमाम संस्थाएं हैं, तमाम पार्टियाँ हैं, हाँ, जो आज राशन वितरण कार्यक्रम 50% डिस्काउंट पे 50% चार्ज लेके कर रही, तो क्या आपका जो कार्यक्रम है राशन वितरण ये निःशुल्क है या कुछ चार्ज लिया जा रहा है? हम बिल्कुल निःशुल्क में करते हैं, कोई भी से जो भी वितरण करते हैं, इसका भी वितरण करते हैं तो निःशुल्क करते हैं, कंबल भी निःशुल्क करते हैं, हम किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं लेते। और जो भी उसको कोई भी जाँच भी करवानी, जैसे MRI कोई जाँच करानी, डॉक्टरी जाँच भी करानी है, हम हमारी संस्था का बैन करते हैं खर्चा, उससे एक भी पैसा जरूर हम नहीं लेते। हमारा संस्था का यह उद्देश्य है और आगे भी हम चाहे कि एकदम व्यवस्थित काम करें, ऊपर वाला साथ दे तो हम एकदम मानव सेवा के लिए कार्यरत रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, और जावेद खान से तो मेरी बहुत पहले की मुलाकात नहीं है, लेकिन जब से मैं इनसे मुलाकात किया हूँ, जब से मेरी इनकी दोस्ती हुई है, इन्होंने कई प्रोग्राम में मुझको बुलाया, और सर्दियों में खास तौर से हम लोग ब्लैंकेट बांटने का काम करते हैं, और अभी दीपावली पे हम लोग उनका पूरा जो है जो भी खाने पीने का है वो भी ध्यान दे करके, वो भी निःशुल्क, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, दूसरे ट्रस्टों की तरह ऐसा हम नहीं करते हैं, हम निःशुल्क देते हैं। कितनी खुशी होती है आपको? बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, ये बांट करके हमको बहुत खुशी होती है, धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज जो अशुभ काम उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में हो रहा है, और ये नेतृत्व में जावेद भाई की वजह से ही हो रहा है, और ये काफ़ी साल से कर रहे हैं, इनकी काफ़ी साल से परंपरा है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, वो यहाँ पे बहुत ही लोगों को मदद करते हैं, और यहाँ पे जो भी है बहुत ही गरजू लोग बहुत है, यहाँ पे इनको
हमारे जैसे लोगों की बहुत मदद चाहिए। और जावेद भाई एक ऐसे फरिश्ता है यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को ऐसा मानना है कि जावेद भाई अपना मानुस है, हमारा हक का मानुस है, हमारे बड़े भाई है, कोई बोलते हमारे दुख सुख के साथी है। तो ये जावेद भाई के लिए तो अभी क्या बोलूँ, दो शब्द कुछ भी बोलूँ बहुत कम है। और जावेद भाई के लिए मेरे यही एक प्रार्थना करता रहूँ कि भगवान उसको ऐसा और हिम्मत दे। नहीं, मैंने निःशुल्क रेट रखा है और अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहा हूँ, और ये सामान तो फ्री में दिया जाता है ना, जिसके लिए भाव था क्या करना, 50%, 90%, 80%, ये तो गरीबों के लिए है। और आप देख सकते हैं कि सब अच्छी क्वालिटी का सामान है, ये घी देख लीजिए आप, ये तेल देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं इसको, रवा बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का है, मैदा अच्छी क्वालिटी का है, शक्कर बड़े बड़े जाने वाले अच्छी क्वालिटी के, मतलब करना है तो अच्छा करो ना। 1,000 लोगों ने 5,000 को नहीं, नाम के लिए काम नहीं करता हूँ, किसी के घर में जाए तो अच्छे तरीके से उसको यूज़ में आवे, अच्छा सामान दे। कितनी खुशी होती है जो? बहुत खुशी होती है, बेइंतहा खुशी होती है। और लोगों को दिवाली का मौका है, क्या विश करना चाहेंगे दिवाली के मौके? दीपावली में तो सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे इसी तरह से अच्छे अच्छे काम कराता रहे। बस सब साथियों का सहयोग है तभी मैं काम कर पा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश भाई हैं, अमृत भाई हैं, महबूब भाई हैं, संपत भाई हैं, हमारे शहनवाज भाई हैं, नीलेश भाई हैं, पोपट भाई हैं, ऐसे सब दोस्त मिलते हैं, कंधे से कंधे मिले तभी एक मजबूती आती है। और जो मैंने ये सब काम किया है, मेरे अकेले की बस की तो बात है नहीं, सब दोस्तों का हाथ है, तभी काम को मैंने अंजाम दिया है। बस इनका साथ रहेगा तो लोगों का विकास होता रहेगा इंशाल्लाह। अभी जो हमको जो काम करना है उमंग की तरफ से, काम तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी मैंने क्या सोचा है कि जो एकदम निचले तबके के जो लोग आते हैं, वाकई में जिनको ज़रूरत है जी, जैसे सबसे पहले तो होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होता है, फिर दूसरा होता है एजुकेशन, शिक्षा जी, ठीक है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हम उसके लिए सर्वे कर रहे हैं, हमारी टीम जो है घर घर में जा कर के सर्वे करेगी कि एक घर में कितने लोग रहते हैं, एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, उसमें से कितने कमा रहे हैं, कितने बैठ के खा रहे हैं, और कितने बेरोजगार हैं। जो बेरोजगार होंगे तो हम उनको नौकरी भी प्रदान करेंगे, हमारे तो टच अच्छे खासे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको हम ब्रिज का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने से अभी और एक ध्यान में आया कि अभी क्या होता है भाई कि बहुत सारे एजेंसियां खोल गई है, मैरिज ब्यूरो 50,000, 1,00,000 रुपए लेके उल्टा पुल्टा बोल बचन मार के शादी करा देते हैं, और दूसरे टाइम लड़की घर पे आ जाती है, बहुत सारे मसले होते हैं। तो इसके लिए हमने एक जो है सारी फॉर्म एक रेडी किया है, ये निःशुल्क होगा, जो माली हालत में पैसे वाले हैं ठीक है उनको हम जोड़ने का काम करेंगे, और उसका बाकायदा पूरा सर्वे करेंगे जी, सामने वाला सही है या गलत है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। और जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका साल में हम सामूहिक विवाह भी कराने का पूरा पूरा काम करेंगे। और हेल्थ के लिए क्या आपने सोचा है? हेल्थ के लिए तो अभी बहुत बड़ा हम कर ही रहे हैं, मेडिकल कैंप कर रहे हैं, भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी आप वक्त बताएगा तो बोल के कोई मतलब है नहीं। शिक्षा का और ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, ये जो फॉर्म है इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेडिकल है, उसके बाद में एजुकेशन है, ठीक है, मेडिकल और एजुकेशन इस पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आज जो समाज में तमाम लोग शिक्षा जो है हमारे देश के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है, विद्यालय ऐसा कारखाना है जहाँ राष्ट्र का भविष्य बनता है, तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आज भी फीस की वजह से उनके माँ बाप गरीब हैं, शुल्क नहीं दे पाते और उस शिक्षा से वंचित है, तो क्या आपने सोचा ऐसे बच्चों के लिए? देखिए ऐसा है कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, पढ़ने वाला अगर बच्चा वाकई में है, अगर उसकी लगन है पढ़ने में, तो हम उसको पूरी पूरी मदद करेंगे, पूरी पूरी मदद। बस हमको ये समझ में आना चाहिए कि वाकई ये पढ़ने वाला है, नौटंकी करने वाला ना होना चाहिए। बहुत बड़ा स्कूल हो ना तो उसमें पढ़ाई नहीं होता है, इसमें नाटक होता है। मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे मैंने सिर्फ पढ़ा है, बाकी आज चले जाओ, आज मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, रोज नौटंकी चालू है। तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे प्राइवेट स्कूलों से, सबसे अच्छा है सरकारी जो गवर्नमेंट की जो स्कूल है, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो कहीं भी पढ़ सकता है, पढ़ना तो अपने को है ना,
किताब तो वही रहने वाला है, जरूरतमंद बच्चों की आप मदद का संकल्प पूरी तरह से, और हम फोकस कर रहे हैं बच्चों को कि आप पढ़ो जहां मन करता है वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो। प्राइवेट में अगर नहीं हो रहा है तो हम कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगे। अगर वो बच्चा अच्छा नंबर लाता है, फीस देने की उसकी ताकत नहीं है, तो हमारी संस्था उसकी साथ पूरी तरह से खड़ी रहेगी।